एक वचन और पढ़ें जो हमें यीशु मसीह के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहला पत्रस अध्याय 2 उसके पद 23 को पढ़ें। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 23। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हालेलुया। लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया, वो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था। नहीं देता था। वो सोचो, पहले समझो इस चीज को, वो परमेश्वर का पुत्र होके, स्वयं परमेश्वर होके, सारे अधिकार उसके पास थे, सारी अधिकार उसके पास थे, सारा बल, सारी शक्ति उसके पास थी। वो कुछ भी कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। इतना सोर्स, इतनी पावर थी उसकी, क्योंकि वो खुद सृष्टि करता था, सृष्टि को बनाने वाला था। लेकिन किसी को गाली सुन के उसने गाली नहीं दी। आज अगर कोई सड़क पे एक गाली दे दे तो पलट के हम तो गालियों की बौछार कर देते हैं, गालियों की बौछार कर देते। तूने कैसे बोला, तूने एक गाली दी, रुक मैं वैरायटी वैरायटी की ढूंढ ढूंढ के गालियां तुझे दूंगा, इस वैरायटी की उस वैरायटी की, और ढूंढ के इकट्ठी होती है और गालियां, नए सिरे से गालियां निकलती है, जैसे बंदूक से गोली निकलती है ऐसी गालियां निकलती है। और बंदी नहीं होते, उसमें उसके परिवार के हर व्यक्ति को घसीट दिया, उसके फूफा को भी, उसकी बुआ को भी, उसके माँ बाप को भी और घर वालों को भी। ऐसे ऐसे लोग हैं, गाली सुन के बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, इतनी गालियां बक देते हैं पूछो मत। उनको लगता है गाली देने से सामने वाला दब रहा है, वो दब नहीं रहा। गाली देने से आप श्रापित हो रहे हो, गाली देने से आप परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहर रहे हो, आपके जीवन की आशीष रुक रही है। गाली सुन के गाली देते हैं लोग, मसीह लोग भी ऐसे हैं। गाली किसी ने दे दी उसके बाद बस मुंह खुलना चाहिए गालियों की बौछार। और जवान लोगों में, जवान मसीहों में तो ये है ही नहीं क्वालिटी, बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है। एक गाली बक दी उसके बाद तो फिर बस अब शुरू, अब उसके बाद माँ बाप भी रोक रहे, अब चुप भी हो जा, बस कर, रुकता ही नहीं अगला। देख गाली गाली गाली, तुम रुक जाओ, देख गाली गाली गाली, ये क्या है? गाली सुन के गाली दे रहे, फिर हम कह रहे हैं कि हम मसीह हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है। नहीं है, वो गाली सुन के, यीशु ने कभी किसी को गाली नहीं दी, और धमकी भी देते थे यीशु को लोग। यीशु को क्यों गाली देते थे? क्योंकि जब यीशु सुसमाचार का प्रचार करता था तो लोग उसको गाली बकते थे और उसको धमकी देते थे। लेकिन धमकी सुन के किसी को धमकी नहीं दी। आज किसी ने धमकी दे दी ना कि तेरे साथ मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो कहेगा रुक, मैं बुला रहा हूं 10 लड़के बुला रहा हूं, मैं 20 लड़के बुला रहा हूं, मिल मुझे, तुझे मैं बताता हूं तू क्या करेगा मेरे साथ, मैं बताता हूं तुझे, रुक। धमकी सुन के धमकी देना शुरू, और यीशु ने धमकी सुन के किसी को धमकी नहीं दी। और हम मसीह है, ये मसीहत में चल रहा है, लोग धमकी सुन के धमकी भी देते हैं लोगों को। वर्ण वो क्या करता, दुख उठा के, वो लोगों से गाली सुन के उसको दुख होता था। जब लोग उसे गाली देते थे उसको दुख होता था, धमकी देते थे उसको दुख होता था, वो दुख उठाता था, घूसे खाता था लोगों के, वो दुख उठाता था। उसके बाद भी क्या करता था, अपने आप को सच्चे न्यायी परमेश्वर के हाथों में सौंपता था। क्या आपका जीवन है ऐसा? आज जब मसीहों पे, प्रभु के दासों को मारा पीटा जाता है, जब सुसमाचार के लिए जाते हैं या कहीं पर सेवा करते हैं, जब उनको मारा पीटा जाता है, वो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देते, धमकी सुनकर धमकी नहीं देते, वो दुख उठाकर अपने आप को सच्चे न्यायी परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं कि मेरा परमेश्वर जो है वो मेरा न्यायी है और वो मेरा न्याय करेगा, वो मेरा न्याय करेगा। और वचन में लिखा बदला लेने का काम किसका है? परमेश्वर का है, हमारा काम नहीं है। बदला लेने का काम परमेश्वर का है। यदि स्वयं आप बदला लोगे तो विश्वास करना परमेश्वर आपके साथ नहीं खड़ा है। और वचन में लिखा है कि तुम चुपचाप रहो, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। जब तुम चुपचाप रहोगे तो परमेश्वर खुद तुम्हारे लिए लड़ेगा। और अगर तुमने लड़ाई शुरू कर दी, वो नहीं लड़ेगा, वो छोड़ देगा, कहेगा तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरी बेटी नहीं, तेरे अंदर मेरा स्वभाव नहीं, तू खुद लड़ाई कर रहा है, तू खुद झगड़ा कर रहा है। ऐसा जीवन है जिसके शरीर में बल आ जाता है, जिम करके वो बॉडी बिल्डर बन जाता है, अखाड़े में जाके बॉडी बिल्डर बन जाता है, या अच्छा खा के बॉडी बिल्डर होता है, तो कमजोर को बोलता है एक घूसे में तेरी पसली तोड़ दूंगा मैं, एक घूसे में, ऐसे कहते हैं जवानों की जब लड़ाइयां होती हैं, एक घूसे में तेरी पसली तोड़ दूंगा, एक घूसे में तुझे सुला दूंगा, एक घूसे में तेरा खत्म कर दूंगा तुझे मैं, तू चला जाए यहां से। धमकी देते हैं किस पे? घमंड, अपने बल, अपनी शक्ति पे। परमेश्वर कह रहा है जिस दिन तेरे अंदर से थोड़ा सा बल मैंने घटा दिया तो बेटा ग्लूकोज की सिरिंज लग जाएगी और तू टंगा होगा, प्रभु मुझे चंगा कर दे। और डॉक्टर आएगा तेरे अंदर एनर्जी के इंजेक्शन भरेगा कि तुझे एनर्जी मिले, तुझे बल मिले।
जिस शरीर को तूने, जिस शरीर पर तू घमंड कर रहा है, यह पल भर का है और यह वस्त्र के समान है, वस्त्र के समान यह जब मर्जी फट जाएगा। कभी घमंड मत करना अपनी सेहत पे, कभी घमंड मत करना अपने नॉलेज पे, अपने पैसे पे, अपने सोर्स पे, कभी नहीं। कोई फायदा नहीं होगा इससे। यीशु ने गाली सुनकर किसी को गाली नहीं दी, धमकी सुनकर किसी को धमकी नहीं दी, वरना अपने आप को सच्चे न्याय परमेश्वर के हाथों में सौंपा, सच्चे न्याय परमेश्वर के हाथों में सौंपा। आज माफ करने वाला हृदय आपका होना चाहिए। अगर हृदय ऐसा नहीं तो कभी भी आप आशीषित नहीं हो सकते। आज से 50-60 साल पहले एक ऐसी एक प्रभु की दास की पत्नी थी, जो प्रभु का दास था, सेवा कर रहा था। सेवा के समय कुछ लोगों ने विरोध करके उसके पति को मार दिया, जान से मार दिया। जब मार दिया, वो लोग पुलिस कंप्लेंट में पकड़े गए। जब पकड़े गए पुलिस कंप्लेंट में, तो पकड़े जाने के बाद उनके ऊपर कोर्ट में कार्रवाई हुई और उनके ऊपर सजा सुनाई गई। तो एक एक एक, एक स्त्री ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पति को मार दिया गया है जान से, तुम इस बारे में क्या कहते हो? उसने बोला कि मैंने इनको माफ कर दिया है, मैंने इनको माफ कर दिया है, क्योंकि मेरे प्रभु ने माफ करना सिखाया है, मैंने इनको माफ कर दिया है। सोचो, जिसके पति को जान से मार दिया उसकी पत्नी ने माफ कर दिया। आज यहां पर माफ करने वाली भावना कहां है? जान से मार दिया तो भी उसने माफ कर दिया। क्यों? मसीह का वचन उसके हृदय में था, हृदय में था, उसने माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। जान से मार दिया उसके पति को, तब भी माफ कर दिया। लेकिन आज लोगों में देखो पेशेंस है ही नहीं, क्षमा करने वाला हृदय है ही नहीं। और यीशु ने इसीलिए एक उदाहरण दिया पतरस को, इस बात को कह के, और उसे समझाया कि एक व्यक्ति था, उसने एक व्यक्ति से कर्जा लिया था, एक राजा से कर्जा लिया था, और कर्जा लेने के बाद वो कर्जा नहीं चुका पाया। तो राजा ने बुलवाया, लेके आ उसको। वो गया और राजा ने क्या आदेश दिया? उसने बोला, जो कुछ इसका है, इसकी पत्नी, इसके बच्चे, इसकी संपत्ति, सब बेच दो। ध्यान से सुनना, पत्नी भी बेच दो, बच्चा भी बेच दो, इसकी संपत्ति भी बेच दो, और सब कुछ बेच के कर्जा जो है, जो उसने लिया था, चुका दो। वो फड़फड़ाने लगा कि मेरी पत्नी को बेच दिया जाएगा गुलामी में, मेरे बच्चे को बेच दिया जाएगा गुलामी में, और साथ में जो है मेरी धन संपत्ति जो है, थोड़ी बहुत मेरा घर है, वो भी बेच दिया जाएगा। वो ऐसा सुनते ही वो दंडवत करके रोने लगा, भिलकने लगा उस व्यक्ति के आगे, उस राजा के आगे, और बोला, मुझ पर दया कर, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा पाई पाई भर दूंगा, मुझे माफ कर दे, मेरे पास नहीं है, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा भर दूंगा, ऐसा मत कर। उसने क्या करा? उस पर तरस खाया। उसने क्या करा? उसने तरस खाया, उसके गिड़गिड़ाने पर उसने तरस खाया, और तरस खाने के बाद उसने उसको माफ कर दिया, माफ कर दिया। उसने बोला, जा, तेरा कर्जा मैं माफ करता हूं, और उसका कर्जा माफ कर दिया। और जब वो वहां से गया वापस कुछ दिनों बाद, जिसने उससे कर्जा लिया था वो उसके पास गया और बोला, मेरा कर्जा चुका, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा, तेरा गला घोड़ दूंगा, तुझे बंदी गृह में डाल दूंगा, जेल में बंद करवा दूंगा, दे मेरा पैसा, दे मेरा कर्जा। उसने भी रिक्वेस्ट करी कि नहीं है मेरे पास, मैं तेरा सब कुछ भर दूंगा, मुझे समय दे, मोहलत दे। उसने कहा, नहीं अभी दे। उसने कहा, नहीं है मेरे पास अभी। ले जाके उसने उसको बंद करवा दिया। जब यह बात उस राजा ने सुनी, वो क्रोध से भर गया, वो गुस्से से भर गया। उसने बोला कि तेरा कर्जा मैंने माफ किया था, तेरा कर्जा मैंने माफ किया, तूने कितना कर्जा लिया, तेरा सारा कर्जा मैंने माफ किया, लेकिन तूने उसका कर्जा माफ नहीं किया। उठाओ इसको और बंद करो इसको जेल में, डाल दो इसको। वो राजा कौन है? वो परमेश्वर है। परमेश्वर ने आपके पाप माफ कर दिए, आप दूसरों के पाप माफ नहीं कर रहे। परमेश्वर कहेगा, उठा इसको, डाल इसको नरक की आग में, ये लायक है नरक की आग के, क्योंकि जब मैंने इसको माफ कर दिया, ये दूसरों को माफ नहीं कर रहा। जब माफ नहीं कर रहा तो नरक की आग में डाला जाएगा ये। आज मसीह लोग जब दूसरों को माफ नहीं करेंगे, वो नरक की आग में डाले जाएंगे। जब यीशु ने आपको माफ कर दिया, आपके गुनाहों को माफ कर दिया, आपको भी दूसरे के गुनाह माफ करने हैं, दूसरे के अपराध माफ करने हैं। माफ करो, जब माफ करोगे तो उसके बाद जाके यीशु आपको आशीष देगा और ब्लेस करेगा। नहीं माफ करोगे तो आपके पाप भी रखे जाएंगे। जैसे इसने क्या करा, उस राजा ने इसको माफ कर दिया और इसने आगे माफ नहीं किया। जब राजा को यह बात पता लगी, राजा ने उसके पाप को फिर से स्मरण किया, तूने भी तो कर्जा लिया था। वो माफी वापस उसकी पनिशमेंट में बदल गई, उसकी माफी उसके लिए पनिशमेंट में बदल गई। और राजा ने जो माफी दी थी, माफी को हटा के उसमें पनिशमेंट डिक्लेयर कर दी। अगर आप दुष्ट बनोगे तो परमेश्वर भी आपको दंड देगा, और आप उसके पुत्र बनोगे तो आपको आशीष देगा। एग्जाम्पल देखना है, उड़ा पुत्र को देखें, अपने पिता की संपत्ति सब लेके चला गया, सब छीन के चला गया। और मैंने बताया, यहूदी इतिहास में और यहूदी कल्चर में, ट्रेडिशन में, जब पुत्र 30 साल का हो जाया करता था, तब जाके जायदाद का बंटवारा होता था। जैसे ही वो हुआ, अपने पिता से उसने ले लिया हिस्सा, ले लिया, ले जाने के बाद उसने सारा पैसा जो है वेश्याओं में उड़ा दिया, गंदे कामों में उड़ा दिया,
और जब उसकी हालात बुरे हो गए, उसकी परिस्थिति खराब हो गई और सूरों की फली खाने लगा जब वो, तो उसको याद आया अपने पिता के घर में जाने के बारे में कि मेरे पिता के घर में तो नौकर चाकर भी अच्छा खाते थे। मैं अपने पिता से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे अपने यहाँ नौकर बना के रख ले। उसने रिक्वेस्ट करी और जब वो गया, उसके पिता ने जब उसको देखा दूर से तो गले से लगा लिया। वैसे जब आप पाप करते हो, आप जितनी बार भी पाप करोगे, परमेश्वर हर बार आपके पाप को माफ करेगा। हालेलुया, हर बार माफ करेगा। परमेश्वर ने अपना हृदय जो था वो पतरस को बताया, यीशु ने अपना हृदय पतरस को बताया, माफ करता जा क्योंकि मैं भी माफ करता रहता हूँ। मेरे बच्चे गलती करते हैं, मेरे विश्वासी गलती करते हैं, मेरे सेवक भी गलतियां करते हैं, मैं उनको माफ करता रहता हूँ। वैसे तू भी मेरा हृदय ले ले, मेरा स्वभाव ले ले, तू भी माफ किए जा, माफ किए जा। और वैसे ही उस पुत्र ने, उस पिता ने क्या किया, जैसे उसका बेटा आया, गले से लगा लिया और उसको माफ किया और फिर से उसको अधिकारी बनाया, उसको फिर से अपने घर का अधिकारी बनाया, अच्छे कपड़े पहनाए, उसके लिए भोज किया। जब आप पाप करते हो, आप गुनाह करते हो और पश्चाताप करके आते हो, यीशु अपने गले से लगाता है आपको, अपने गले से लगाता है, फिर से आपको अपना पुत्र बनाता है, आपको उत्तराधिकारी बनाता है और आपको आशीष देता है, आपको ब्लेस करता है। ऐसा ही हमारा परमेश्वर है, वैसे हृदय वो चाहता है, वैसे हृदय चाहता है कि आप भी माफ करने वाले बने, क्षमा करने वाले बने। वैसे ही हमने यहां पर देखा, यीशु ने जो है माफ किया, यीशु ने माफ किया, कितने लोगों को माफ किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, जब यीशु कलवरी क्रूस पे था, क्रूस पे जब वो बलिदान दे रहा था, तो यीशु की पहली वाणी वो क्या थी, यीशु ने बोला हे पिता इन्हें क्षमा कर। किनको क्षमा कर? उन लोगों को जो रोमी सैनिक थे, जो यीशु को क्रूस पे टांग रहे थे, उन यहूदियों को जो उसके ऊपर दोष लगा रहे थे, बोला यीशु ने। और केवल उनके लिए नहीं, हम सब के लिए बोला यीशु ने। पूरे भविष्य में झांक के देखा यीशु ने और पीछे जितने पाप हुए थे सारे पापों को स्मरण करके यीशु ने बोला हे पिता इन्हें माफ कर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इनको समझ नहीं है। जिस दिन इनके अंदर समझ आ जाएगी ये गलती नहीं करेंगे, जिस दिन मेरा आत्मा इनके अंदर आ जाएगा ये गलती नहीं करेंगे। यीशु ने माफ किया। सोचो, दर्द में है, पीड़ा में है, प्राण निकल रहे हैं क्रूस पे, प्राण निकल रहे हैं। अगर किसी को यहां पर एक घूसा मार दो तो इतनी गालियां बकेगा पूछो मत, थप्पड़ मार दो इतनी गालियां बकेगा पूछो मत। और यीशु को क्रूस पे टांग दिया गया, हाथों में कीले, पैर में कीले, माथे में जो है कांटों का मुकुट था और पीठ पे कोड़े मारे गए, पूरी छल्ली छल्ली पूरी उसकी देह हो चुकी थी, लहू बह रहा था उसके शरीर से। और फिर भी यीशु ने क्या बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्या क्षमा करते हो आज आप एक दूसरे को? क्षमा करते हो अपने परिवार के लोगों को? क्षमा करते हो अपने बच्चों को, अपने माता पिता को? क्षमा करते हो अपने रिश्तेदारों को? क्षमा करते हो? क्षमा करने वाला हृदय चाहिए। जब यीशु ने उस दर्द में माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम उसकी संतान हैं, उसके बच्चे हैं। आज प्रभु चाहता है कि हम भी क्षमा करने वाले बने, हम माफ करने वाले बने। क्षमा करने वाले नहीं बनोगे तो परमेश्वर की संतान नहीं कहलाओगे। इसीलिए यूहन्ना में लिखा है, जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता परमेश्वर को नहीं जानता। और बाइबल की दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा है, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। जैसे तू अपनी चिंता करता है, सुधी लेता है, अपनी गलती में तो रिग्रेट फील करता है, वैसे अपने भाई को माफ कर, क्षमा कर। और वचन में लिखा है, तुम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहले। अगर कोई परमेश्वर के वचन में बलवान है, उसकी आत्मा में बलवान है, उसके बुद्धि ज्ञान में बलवान है, तो लोगों को क्षमा करे, माफ करे। क्यों? क्योंकि वह निर्बल है। कौन निर्बल है? जिनको वचन का ज्ञान नहीं है, जिनको परमेश्वर की शिक्षा का ज्ञान नहीं है, आत्मा में परिपूर्ण नहीं है, वह निर्बल है, कमजोर है। और पौलुस कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। जब आप निर्बल हो गए, आप कमजोर हो गए, जिस भी परिस्थिति में आप कमजोर हो गए, वो उसी समय अपनी सामर्थ्य से आपको सिद्ध बनाएगा। यानी आपकी निर्बलता में वो आपको परफेक्शन देता है, आपकी कमजोरी में आपको परफेक्शन देता है, आपकी निर्बलताओं में आपको मजबूत बनाता है, आपको स्ट्रांग बनाता है। चाहे आर्थिक तौर से आप कमजोर हो, आप मानसिक तौर से कमजोर हो, आप घर में कोई भी समस्या है, यीशु की सामर्थ उस समय आपको परफेक्ट बनाएगी, सिद्ध बनाएगी, आपको नया बनाएगी, आपको बदल के रख देगी। और ये चीज यहां बताई गई है, क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, अगर दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे अपराध भी रखे जाएंगे। जैसे उस बेटे ने जाके अपने माता पिता से क्षमा मांगी, वो मृत्यु हो चुकी थी उनकी, वो कब्र में सुन नहीं रहे थे उसकी बात को, लेकिन फिर भी वो उसने रिग्रेट फील किया, पश्चाताप किया और जाके उसने कब्र के आगे खड़े होके अपनी गलती को माना। और उसके बाद गलती मानने के बाद उसने माफी मांगी और परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा किया। यदि आज आप में से किसी ने अपने माता पिता का दिल दुखाया था, आज वो धरती पर नहीं है, तो प्रभु से क्षमा मांगे। यदि आज आपके माता पिता हैं, आपने गलती करी है, तो उनसे क्षमा मांगे। आपने अपनी सास के साथ गलत किया तो क्षमा मांगे, ससुर के साथ गलत किया क्षमा मांगे, भाई बहनों के साथ गलत किया क्षमा मांगे। जब क्षमा मांगोगे तो यीशु आपको माफ करेगा।
वो आपको माफ करेगा और आपको आशीष देगा। दूसरे के पाप रखोगे तो आपके भी रखे रहेंगे और आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। और शैतान चाहता है कि आप दूसरों के पाप माफ मत करो, वो चाहता है दूसरों के पाप को भी इकट्ठा करके रखो। आप जब इकट्ठा करके रखोगे तो आपके पाप भी रखे जाएंगे, वो जानता है। इसीलिए वो चाहता है कि मनुष्य कठोर रहे, वो स्वार्थी हो जाए और वो दूसरों को माफ ना करे, लड़ाई करे, झगड़ा करे, बदला ले। और यीशु नहीं चाहता कि आप बदला लो, यीशु नहीं चाहता आप झगड़ा करो, यीशु नहीं चाहता आप नफरत करो, आप माफ करो। ये यीशु का वायदा है और यीशु ने बताया, उसने अपने प्रेम को प्रकट किया और कलवरी क्रूस पे ये उसने करके दिखा दिया, करके दिखा दिया। उस दर्द में, पीड़ा में भी सबको माफ कर दिया, समस्त मानव जाति को माफ कर दिया। आज जब हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमें माफ करता है। आज जिसको भी आपने गलत बोला है, जहां जहां गलत बोला है, आज माफी मांगे प्रभु से, आज माफी मांगे प्रभु से, क्षमा मांगे, क्योंकि परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। जब दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो आपके भी क्षमा होंगे, और जहां आपके अपराध क्षमा होंगे आपकी चंगाई रिलीज हो जाएगी, आपको शापों से छुटकारा मिल जाएगा, आपको आशीष मिल जाएगी और परमेश्वर की सुरक्षा मिल जाएगी। और यही बातें मिलकर उद्धार को कंप्लीट करती हैं, और तभी आपका उद्धार होगा, तभी आपका जीवन आशीषित होगा। तो आज के वचन से प्रभु ने बहुत कुछ बताया और ये समझाया कि फॉरगिवनेस हमारे अंदर होना चाहिए। जब क्षमा करेंगे तो यीशु हमें क्षमा करेगा। ये उस प्रेम का प्रमाण है जो यीशु ने दिखाया जगत के साथ। इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र इस जगत में दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वो नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो नाश नहीं होते और अनंत जीवन पाते हैं, इटरनल लाइफ पाते हैं। आज यीशु ने बताया कि माफ करो सबको। जब माफ करोगे तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम भरपूरी से काम करेगा और आपको आशीष देगा। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।